Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
कृष्ण महामंत्र की जय। हृदय गौर प्रेमानंदे हृदय हृदय गौर प्रेमानंदे हृदय गौर प्रेमानंदे। Hey, Radha, 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 Rad
करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तनालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णाद्वरीय पद पंकज पंजरांतम् अद्यैव मे विशतो मानसराजहंसा प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठा वरोधन विदो स्मरणं कुतस्त आराध्यो भगवान् व्रजेशतनाय वृंदावनम् रम्याकाशिदुपासनम् व्रजवधू वर्गेनया कल्पिता श्रीमद् भागवतम् प्रमाणममालम् प्रेम कोमर्थो महा श्री चैतन्य
नमः प्रभु मतमिदं तत्राधरो नापर नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युक्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासवि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की परम सौभाग्य है कि हम सब यहाँ पर श्रीमद्भागवतम के दशम स्कंध में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को पढ़ रहे हैं। किसी को पता है हम कौन सी लीला पढ़ रहे हैं? हेनरिस करे खाली कौन सी लीला पढ़ी जा रही है यहाँ पर? लास्ट वीक कौन सी लीला पढ़ी थी उसी को कंटिन्यू करें। और सब लोग भी तो आए थे। यस, पत्नियों ने भगवान से प्रार्थना की थी। वेरी नाइस। अच्छा एक बात बताए, अच्छा भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में थे तो उन्होंने बहुत सारे असुरों का वध किया था। किस किस को नाम पता है? दो चार एक दो कितने कुछ भी उन असुरों के जिनको भगवान ने मारा था। अभी हम कितने असुर पार भी चुके हैं ना, एक दो तीन जिसको नाम पता है एंड्रेस करें। असुरों के नाम नहीं बताओ कितने सारे मारे हैं अभी, है ना? और किसी को बस और बच्चों में से किसी को नहीं पता? हाँ है, पता पूतना, यस हाँ नाम रणावत कृष्णा अगासुर, यस हाँ बकासुर, यस अनिता और कोई, यस क्लैश बस यही ऐसे। एक बात बताइए, भगवान श्री कृष्ण सारे असुरों को मारते थे, है ना? कितने सारे असुरों को मारते थे, और एक असुर या कुछ असुर ऐसे हो सकते हैं जिनको भगवान ने मारा नहीं हो, बख्श दिया मतलब कृपा कर दिया। कालियाना को मारा नहीं भगवान ने, नहीं मारा, कोई कारण बता सकते उसका? सबको मार रहे थे, कालिया को क्यों नहीं मारा? अरे वाह, क्या किया था? उनकी पत्नियों ने प्रार्थना की थी। देखो इसका मतलब क्या है पता है? जब हमारे परिवार में कोई एक भी भगवान का भगत बन जाए बस वो छुट्टा, मतलब अगर किसी एक के हृदय में भी भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न हो जाता है, यदि कोई एक भी भगवान का भक्त बन जाता है, वो उसके बाद हम भले कितने असुर हो कालिया जैसे, लेकिन उस भक्त की प्रार्थना सुनकर भगवान सबको बख्श देंगे। इसलिए अपने बच्चों को भक्त बनाओ, हो सकता है किसी के सत्य आपको भी बख्श दिया जाए, है ना? तो ये बहुत ही सुंदर, हमने उस पिछली दफा प्रार्थना पढ़ी थी कि जब भगवान श्री कृष्ण कालिया पे बहुत ज्यादा क्रुद्ध हो गए थे और उसके क्योंकि वो झुक नहीं रहा था, तो भगवान ने उसके फनों को झुकाकर और फिर उनके फनों को नृत्य किया था और उसके सारे फन जो है वो बिल्कुल जख्मी हो गए थे, उनसे रक्त निकल रहा था, तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। और उसकी पत्नियां जो है उन्होंने देखा कि अब हमारा पति बहुत ज्यादा कष्ट में है, तो अब देखा कि उसका गुरूर खत्म हो गया है, उसका अहंकार खत्म हो गया है, इसलिए वो भगवान के सामने आती है और भगवान से कहती है कि भगवान आपने जो हमारे पति के साथ किया वो बिल्कुल न्याय उचित है,
क्योंकि इसने कार्य ऐसा किया था, ये अपराध कर रहा था, आपके जो प्रियजन है उनको कष्ट दे रहा था, तो ये जो आपने इसके साथ किया है वही न्याय है। लेकिन हम आपकी शरण में आई हैं, तो कृपा करके आप अब क्योंकि इसका अपराध खत्म कर, अपराध क्षमा कर दीजिए, क्योंकि अब ये तो सर्प था ना, शुरू से ये सर्प है, तो सर्प का स्वभाव कैसा होता है कि वो डसता ही है, उसके अंदर विष होता है, और आपने ही तो उसे ऐसा स्वभाव दिया है, तो आप कृपा कीजिए अब इस पर। और आगे कहते हैं कि लेकिन फिर भी हम समझती हैं कि कितना इसने, कोई ना कोई तो अपने जीवन में तपस्या की होगी, कितनी बड़ी तपस्या की होगी, कोई बड़ी साधना की होगी, कोई बहुत इसने सेवा पूजा की होगी, जिसके कारण इसको वो वरदान मिला जो ना ब्रह्मा को मिला, ना शिव जी को मिला, ना लक्ष्मी जी को मिला। कौन सा वरदान मिला लास्ट वीक हमने पढ़ा, कौन सा वरदान मिला? भगवान के चरणों का स्पर्श, भगवान की चरण धूलि, वो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती है, लक्ष्मी भी तरसती है, भगवान श्री कृष्ण के चरण देखने को नहीं मिलते। वृंदावन में कृष्ण लक्ष्मी नारायण की सेवा तो करती हैं, लेकिन वृंदावन में कृष्ण की सेवा की उनको परमिशन नहीं है, वो भी श्रीवत्स के रूप में रहती है रास मंडप में। तो ऐसा बताया गया कि वो सेवा या वो सौभाग्य जो बड़े बड़े देवी देवताओं को नहीं मिला, किसको मिला? कालिया को मिला। तो ना जाने उसने कौन सी ऐसी ऐसी तपस्या की थी, ऐसी साधना की थी। और वो कहती हैं कि आपकी एक बार यदि किसी को चरण रज प्राप्त हो जाती है तो कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं रहता, ना ना कपृष्टम, ना सार्वभौम्यम, ना पारमेष्टम, ना साधि, ना रसाधिपत्यम, ना तो स्वर्ग चाहिए, ना इंद्रलोक चाहिए, ना ब्रह्मलोक चाहिए, ना ध्रुवलोक चाहिए, ना अतल वितल पताल, कोई भी लोक नहीं चाहिए, बस आपके चरण कमलों की रज उसे मिल जाती है, फिर सारी तृष्णा खत्म हो जाती है। हम क्या सोचते हैं, ये मिल जाएगा सुखी, ये मिल जाएगा सुखी, और जब मिल जाता है तो क्या होता है, दुख खत्म नहीं होता। याद रखिए, जीवन में जब तक भगवत श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं होता है, तब तक तृष्णा खत्म नहीं होती। मन आनंदित तभी होता है जब मन में कृष्ण का स्मरण हो जाता है। तो बहुत ही सुंदर नाग पत्नियां जो हैं वो भगवान की प्रार्थना कहती करते हुए कहती हैं कि इस पूरी संसार को रचने वाले आप हैं, आप ही सबको दिव्य चेतना और शक्ति प्रदान करते हैं, बौद्धिक गुरुओं से पढ़े हैं, बौद्धिक जगत में रहते हुए अंत में कहती हैं कि स्वामी अगर कभी कोई शिष्य या कोई सेवक जो होता है अगर वो कोई गलती करता है तो उसका जो मालिक होता है उसको माफ कर देता है। मतलब अगर हमारा कोई नौकर हो, कोई दास हो, उससे अगर कोई गलती हो जाए तो कम से कम एक बार तो उसे माफ कर देना चाहिए ना। तो वे कहती हैं, अपराध सकृदनो सोडव्यं स्वप्रजाकृत क्षन्तुमर् हसि शान्तात्मन् मूढस्य त्वामजानत। अपराधस्य कृतिः भर्तुः, यानी जो स्वामी होता है वो अगर एक अपराध किसी से हो जाता है सोडियम सो प्रजाकृतम, तो उसको माफ कर देना चाहिए। आप तो कितने करुणानिधि हैं, तो क्षन्तुमर् हसि शान्तात्मन्, आप तो क्षमा करने में करने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं, और शान्तात्मन् आप तो शांत रहने वाले। ये तो नाग है ना, ये नाग है तो अपना काम कर रहा है, आप तो शांत है तो अपना काम कीजिए ना, है ना। इसका तो स्वभाव है डसना, इसका तो स्वभाव है जहर उगलना, आपका स्वभाव है करुणा करना। वो नाग होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, और आप करुणा सागर होकर भी अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकते हैं। तो कृपा कीजिए कि उसके उससे जो अपराध हो गया है तो कृपा कीजिए मूढ़स्य त्वा, मतलब वो मूढ़स्य है त्वा अजानतम, आपको नहीं जानता, वो मूर्ख है, उसको आपकी महिमा के बारे में नहीं पता, आपके ऐश्वर्य के बारे में नहीं पता। वो पत्नियां हैं और अपने पति के विषय में बचाने के लिए कुछ भी बोल दो, भले मूर्ख है, बेवकूफ है, उसको नहीं समझ में आया, लेकिन आप तो करुणा निधि हैं, आप तो करुणा के सागर हैं, तो आप तो
अवश्य कृपा कीजिए हमारे पति के ऊपर और कहती आगे कि अनुग्रहीश्व भगवान प्राणस्त्यजति पत्पन्नपम् स्त्रीणां न साधु शोच्यानां पति प्राण प्रदीयताम्। अनुग्रहीव भगवान, आप कृपा करके अनुग्रह कीजिए, आप तो करुणा के सागर हैं। और स्त्रीणां न साधुषु, जो साधु होते हैं इस पर अगर आपको कृपा नहीं भी हो रही है, इसकी दुष्टताओं को देखकर यदि आपकी कृपा का समुद्र जो है उसके दरवाजे बंद होंगे, फिर हमको तो देखिए, हम स्त्रियां हैं और स्त्रियां यदि किसी को निवेदन करती हैं, कुछ अगर उनसे अनुग्रह करती हैं, फिर तो दुष्ट जो होते हैं ना वो भी पिघल जाते हैं। आप तो कितने कृपामय हैं, आप तो साधु मतलब संतों को बहुत ही आदर देने वाले हैं, तो कृपा कीजिए पति प्राण प्रदीयताम, हमारा पति जो है वो हमारा जीवन है। आप ये मत सोचिए कि ये मर जाएगा तो ये मर जाएगा खाली, हमारे पति को यदि कुछ हो गया तो हम जीवित नहीं रहेंगी, और यदि हम मर गए तो हमारे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। आप तो कितने सबके ऊपर कृपा करते हो, एक इसके अपराध का ठंडा हम सबको तो नहीं दोगे ना, इसलिए आप कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए, हम सबको जीवन दान दीजिए। और आगे कहती है विदेही ते किं करीणाम् अनुष्ठेयम् तवाज्ञया, विदेही ते किं करी, हम आपकी किं करी, पूरी जीवन आपकी सेवा करेंगे अगर आपने हमारे पति को क्षमा कर दिया। और अनुष्ठेयम् तवाज्ञया, आप जो बोलेंगे ना हम वही करेंगे, आप जैसा हमें बोलोगे और हम वही करेंगे। तो भगवान ने कहा मैं तुम्हारे पति को इतना पिटाई किया और फिर तुम मेरी शरण में आ गई हो, क्यों आप मेरी शरण में आकर मेरी किंकरी बनने का प्रयास कर रही हो, क्यों? बल्कि आपको तो गुस्सा आना चाहिए ना कि हमारे पति को इतना मारा। तब वे कहती हैं यश श्रद्धयानुतिष्ठन्ते, जो आपकी आज्ञाओं का पालन करता है, जो आपके अंदर श्रद्धा रखता है, हम आपको पहचान गई है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप तो साक्षात भगवान है, इसलिए यह श्रद्धयानुतिष्ठये मुच्यते सर्वतो भयात्। एक बार जो आपकी शरण में आ जाता है वो संसार के सारे भयों से मुक्त हो जाता है। हम आपसे बचकर भी जाएंगे कहां, संसार में प्रत्येक वस्तु में आप ही का तो राज्य चल रहा है, बस आप अपनी कृपा कर दीजिए और जैसा आप बोलेंगे, जो भी आप आज्ञा करेंगे हम उसको अवश्य पूरा करेंगे। कृपा करके आप हमारे पति को जीवन दान दीजिए। उसके बाद जब इतना प्रेम से उन्होंने बोला तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इत्थं सनाग पत्नि भी भगवान सम विशुष्टिता मूर्छितं भग्न शिरसं विसर्सर्जंग्री कुट्टनये, इत्थं नाग पत्नियां, जब नाग पत्नियों ने इतनी सुंदर प्रार्थना की और भगवान समा भी विष्टुता, यानी भगवान बहुत संतुष्ट हो गए। इससे हमें ये समझना चाहिए कि हम जब भी भगवान के सामने खड़े हो ना तो खाली बुत बनकर खड़े नहीं होना चाहिए, भगवान को कुछ ना कुछ प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, कोई ना कोई भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आप कितने करुणामयी हो, हम तो दुष्ट हैं, हम पर कृपा कीजिए, हमारे बच्चों पर कृपा कीजिए, हमारे पति पर कृपा कीजिए, सबकी कृपा मांगनी चाहिए भगवान को। भगवान को हमेशा बोलना चाहिए कि हमें कोई सेवा दीजिए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हमें सेवा का योग्य बनाइए। तो कुछ और प्रार्थना नहीं भी आती है ना तो कम से कम एक प्रार्थना तो याद होनी चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये सबसे बड़ी बड़ी प्रार्थना है, महामंत्र है, ये सारे मंत्रों का राजा है। तो जब भी भगवान के सामने थोड़ी देर सुबह को बैठे शाम को बैठे तो एक आध माला कर लिया कीजिए भगवान के सामने बैठकर, और भगवान बहुत संतुष्ट होते। देखो नाग पत्नियों ने प्रार्थना की, वो तो दुष्ट थे ना, उनसे भी भगवान संतुष्ट हो गए। और फिर कहती हैं कि मूर्छितम भग्न शिरसम, वो उसका पति जो था मूर्छित हो गया था, भग्न शिरसम उसके सारे जो सिर थे वो टूट गए थे, और फिर विसर्सन जांघ्री और उनके पैर जो है वो
क्योंकि भगवान के पैरों के पैर जो है उन्होंने बहुत जोर जोर से उनको लगाए थे, तो भगवान के पैरों के प्रहार से उसके सर बिल्कुल टूट गए थे। इसलिए उसके बाद कृष्ण जो कालिया जो है वो कृष्ण से धीरे से कुछ कहते हैं, प्रतिलब्धिन्द्रिय प्राणम कालिया शनकैर्यम प्रतिलब्ध। बहुत जैसे ही भगवान ने उसको छोड़ दिया, पहले तो भगवान उसके फनों के ऊपर खड़े थे, कभी उधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, तो भगवान ने जब देखा पत्नियां इतनी प्रार्थना कर रही हैं, तो भगवान जंप करके वहां से उतरे हैं, और जैसे ही उतरे हैं तो उसको थोड़ा सांस लेने का अवसर मिला, क्योंकि भगवान जो ब्रह्मांड का पूरा भार भगवान के अंदर, देखने में वो इतने छोटे से हैं लेकिन इतने विशाल हैं, भगवान के अंदर इतना शक्ति है, इतना बल है, उसके ऊपर जब खड़े तब तो वो हिल ही नहीं सक रहा था, लेकिन जैसे भगवान ने उसको थोड़ा सा आजाद छोड़ा तो प्रतिलब्धेन्द्रिय प्राणा, फिर उसने अपने पुनः इंद्रियों की शक्ति को वापस से प्राप्त किया, और कालिया ने शनकाय हरिम धीरे से भगवान से प्रार्थना शुरू की। अब देखो कालिया भी भगवान से प्रार्थना कर रहा है, पहले पत्नियां कर रही थी और उन्होंने सोचा कि भगवान सामने हैं तो मैं कैसे चूक सकता हूँ, भगवान को बहुत पसंद लगता है, भगवान जब जब संतुष्ट हुए ना प्रार्थनाओं से हुए हैं। अब देखो भागवतम जो है वो प्रार्थनाओं का ही समूह है, देखा जाए तो हम तो स्टोरी याद करते हैं कि भाई ये स्टोरी में ये हुआ, ये स्टोरी में ये हुआ, लेकिन वास्तव में भागवत हमें प्रार्थना करना सिखाता है, कैसे कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना करती हैं, कैसे भीष्म देव भगवान से प्रार्थना करते हैं, कैसे ये नाग बदरियां भगवान से प्रार्थना करती, कैसे गोपियां भगवान से प्रार्थना करती हैं, कैसे वृत्तासुर भगवान, ये प्रार्थनाएं जो है उससे क्या होता है पता है, उससे हमारे जितने भी अपराध होते हैं ना भगवान भूल जाते हैं, खाली वो प्रार्थनाओं के शब्द याद रखते हैं। इसे हम तो अपनी प्रार्थनाओं को क्रिएट नहीं कर सकते ना, हम तो बना नहीं सकते, तो हमको समय निकाल कर इन्हीं प्रार्थनाओं को बारंबार पढ़ना चाहिए, फिर क्या होता है भगवान को अपना वही भक्त याद आता है। जैसे ऐसा होता है ना कि हमारा कोई बहुत ही प्रिय अगर कोई बात करता है बार बार, जैसे कोई संकीर्तन की कोई ट्यून गाता है और अगर वही ट्यून कोई और गाता है तो हमको सुनकर कितना अच्छा लगता है कि यार ये वही ट्यून है ना, ये वो गाते हैं, ऐसा लगता है ना कभी कभी कोई भी बात, तो भगवान को भी जब हम वही प्रार्थनाएं सुना, आज हम कालिया की पत्नियों की प्रार्थना तो भगवान याद करते हैं, अरे कितना सुंदर पड़ रहा है, ये तो वही वाली प्रार्थना है जो कालिया की पत्नियों ने की थी और मैंने उनको कितना अनुग्रह किया था, मैं इनके ऊपर भी इतना कृपा करूंगा, ये तो वही प्रार्थना है जो कुंती महारानी ने पढ़ी थी, ये देखो कितना सुंदर तरीके से पढ़ रहे, तो इनको भी मैं अपनी कृपा प्रदान करूंगा, कुंती की प्रार्थना सुनकर मैंने द्वारिका जाना कैंसिल कर दिया था और इनकी प्रार्थना सुनकर अभी मैं पाकिस्तान से जाना कैंसिल कर दूंगा। तो भगवान जो है प्रार्थनाओं से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अभी फिर कालिया जो है बहुत ही कठिनाई से कृच्छात समुच्छ्वसदनीय बहुत ही कठिनाई से, क्योंकि पूरा शरीर जो है वो तकलीफ में था, इसलिए कृष्ण प्राह कृतांजलि, कृष्ण से कहा कृतांजलि माने हाथ जोड़कर कहा, कालिया उवाच, कालिया भी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से बहुत ही सुंदर, लेकिन ऐसा है कालिया की पत्नियों ने इतनी सुंदर प्रार्थना की, अब कालिया इतना दुखी अवस्था में था कि वो अपनी प्रार्थनाओं को मतलब सही तरह से समेट नहीं पा रहा था कि मैं किस तरह से भगवान को प्रार्थना करूं, बहुत दुखी भी था, तकलीफ में भी था और शर्मिंदा भी था, क्योंकि बहुत तकलीफ दिया ना, बहुत कष्ट दिया भगवान के भक्तों को, इसलिए वो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ, और लेकिन उसको ये तो पता चल गया था कि मैं कितना दुष्ट हूँ, इसीलिए वो खाली प्रार्थना में अपनी स्थिति बता रहे हैं कि मैं कितना ज्यादा दुष्ट हूँ और उसका कारण कोई और नहीं आप ही हो, हाँ मुझे दुष्ट किसने बनाया भाई, मैं अगर मैं सर्प हूँ तो सर्प तो विषैला होगा ना, जाहिर सी बात है सर्प के अंदर जहर होगा, पूरी प्रकृति को आपने बनाया, सारी योनियों को आपने बनाया, तो मुझे सर्प किसने बनाया, आपने बनाया, तो मैं अगर सर्प बनाऊ तो मेरा डसना तो स्वभाव है, जहर तो मेरे मुख से निकलेगा ही ना, आप मुझे सर्प नहीं बनाते ना, अगर आप मुझे भी मोर बना देते, मुझे भी गाँव बना देते, मुझे भी कुछ अच्छा सा कोई ऐसा अच्छा सा कोई एनिमल बना देते, मैं आपके साथ गैया चरने के साथ छोटे बछड़ा बना देते मुझे भी,
लेकिन मुझे सर्प बना तो मैं क्या करूं। तो ऐसे कहते हैं, वयम खला सहोत्पत्या तमसा दीर्घमन्यव स्वभावो द्युस्त्यजो नाथ लोकानां यद सत्त्वग्रहं। वयम खला सहोत्पत्या, मैं जब से पैदा हुआ हूँ, वयम आप जानते हो कि मैं सर्प हूँ, तमसा दीर्घमन्यव मैं बहुत, मैं सर्प पैदा हुआ हूँ तो जब से पैदा हुआ हूँ तब से मैं दीर्घमन्यव बहुत क्रोधित होता हूँ, मुझे बहुत क्रोध आता है, मैं विषैला हूँ तो हूँ। तो स्वभाव दुस्त्यजो नाथ, ये जो रियल अपना जो नेचर होता है ना वो बदलना बहुत मुश्किल है। स्वभाव दुस्त्यजो, उसको बहुत बदलना बहुत मुश्किल है। लोकाना यद सत्ग्रहम, वैसे तो जीव का स्वभाव ऐसा नहीं है। जीव कैसा है आपको पता है? जीव कैसा है? जीव भगवान के जैसा है। भगवान कहते हैं मेरे अंश हो, ममैव अंश। तो भगवान कैसे हैं? सच्चित आनंद स्वरूप है। असल में हम भी भगवान के ही अंश हैं, तो हम पीसफुल हैं, एकदम आनंदित हैं। हमारे स्वभाव में क्रोध नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्रोध जीव आत्मा कर ही नहीं सकती, क्रोध इतना शांत, हम शांत हैं। अभी देखो ऐसा हमारा जो वास्तविक नेचर है ना वो शांत है। आपको कोई बोले कि एक पूरा दिन आप क्रोध में हो रहकर दिखाओ, पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक, इम्पॉसिबल, पूरा दिन नहीं रह सकते। आप थोड़ी देर रहोगे फिर वापस थोड़ा रिलैक्स होगे, क्योंकि क्रोध में आप कंटिन्यू नहीं रह सकते, क्योंकि वो आपका स्वभाव नहीं है। लेकिन कोई आपको बोले आज पूरा दिन आपको खुश रहना है तो आपको खुश रहने में कोई मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपका स्वभाव है। तो भगवान की तरह शांत है, भगवान की तरह पीसफुल है, भगवान की तरह पावरफुल है। हम सिर्फ अपने आप को भूल गए हैं, क्योंकि अपने आप को शरीर मानते हैं ना, तो रियल तो अपने आप, अपनी जो आइडेंटिटी है वो भूल गए हैं। इसलिए बार बार याद कराना चाहिए, मैं भगवान की तरह शांत हूँ, मैं भगवान की तरह शक्तिशाली हूँ। कभी किसी से भय नहीं लगेगा। भगवान ने कहा कि जितना मेरे अंदर पावर है उतना मेरे नाम के अंदर पावर है, और हम क्या कहेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भगवान की जितनी पावर है, शेर का बच्चा तो शेर की तरह पावरफुल होता है, और हम कितनी छोटी छोटी चीजों से भयभीत हो जाते हैं। इसलिए बोला जो आपकी शरण में आता है ना उसको कभी भय नहीं लगता, हमेशा भगवान की प्रोटेक्शन अपने ऊपर। और भगवान ने कहा मैं कभी दूर नहीं जाता हूँ तुमसे, हर वक्त तुम्हारे साथ तुम्हारी सुरक्षा करता हूँ, मुझे अनुभव करो, मुझे रियलाइज करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो कहते हैं कि लोकानाम यत् असद्ग्रहम, क्योंकि लोग अपनी मिथ्या पहचान को बनाते हैं। मैं क्या हूँ? मैं ड्राइवर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये याद रखते हैं। ये भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदार। संसार में भी अगर किसी बड़े व्यक्ति का कोई सेवक होगा ना तो उसका अपना ही टेंशन होगा, है ना? कि कोई बड़े, कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई बहुत बड़ा राजा का कोई सेवक होगा ना तो पता है मैं किसका आदमी हूँ, ऐसा बोलेगा ना, जाहिर सी बात है। मैं, मेरा जो संबंध है ना वो राजा के साथ है। तो भक्त को भी ना एक, अगर अपना रियल जो ना उसका रियल स्थिति क्या है कि मैं कृष्ण का हूँ, तो जब मैं कृष्ण का हूँ तो कृष्ण तो सर्वैश्वर्य युक्त है, सर्वशक्तिमान है, फिर मुझे भय कैसा, फिर मुझे चिंता कैसी, फिर मुझे टेंशन कैसा? मेरी चिंता हरी करे, मुझे ना चिंता होए, मैं तो उसका हूँ तो मेरी फिक्र उसको करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए वे कहते हैं कि वैसे तो जीव के जीवन में कभी कोई कष्ट है नहीं, कोई दुख है नहीं, उसका स्वभाव, लेकिन फिर भी यहाँ पर आकर वो अपने रियल स्वभाव को भूल जाता है। इसलिए कहते हैं कि लेकिन फिर भी इसमें भी उसका कोई कसूर नहीं है, इसमें भी जीव का कोई कसूर नहीं है। कार्या भगवान से कहते हैं, त्वया सृष्टिमिदमेश्वम दात गुण विसर्जनम नाना स्वभाव वियरो योनिबीजाशया कृत त्वया सृष्टिमिदमेश्वम। आपने बनाया ना पूरा ये जगत है,
दात गुण विसर्जनम, और ये भौतिक जगत के अंदर ये जो गुण डाले हैं, सत्व गुण है, रजोगुण, वो हमने थोड़े डाले, वो भी तो भगवान ने डाले। ये गुण जो है वो खींचते हैं, तमोगुण अपनी तरफ खींचता है, रजोगुण अपनी तरफ से खींचता है, और है ना सत्व गुण अपनी तरफ से। तो जीव बेचारा क्या करे। और फिर आपने क्या किया है, नाना स्वभाव वीर्य, अलग अलग स्वभाव की नाना प्रकार की योनियां बनाई है ना, 84 लाख योनियां बनाई है। किसी को कुत्ता बनाया, किसी को बिल्ली बनाया, किसी को लेजर्ड बनाया, किसी को सांप बनाया, और उनको अपना अपना स्वभाव भी दिया है कि भाई ये कुत्ता है तो ये भौंकेगा, ये बिल्ली है तो ये म्याऊं म्याऊं करेगी, ये अगर है ना सांप है तो डसेगा। ये तो तुमने बना, मतलब तुम्हारी प्रकृति है। तो सबको नाना प्रकार के व्यवस्थित तथा योनियां, नाना प्रकार की इंद्रियों, शारीरिक शक्तियां और भांति भांति के मनोवृत्तियां एवं आकृतियां वाले माता पिताओं के प्रकट आप ही करते हो, सबको आपने ही प्रकट किया है। तो उन सब में भी जितनी भी योनियां बनाई हैं उसमें आपने मुझे कैसा बनाया, देखो आपने मेरे साथ क्या किया। वयम च तत्र भगवन् सर्पाजात्युरुवन्यव कथम त्यजामस त्वमन्यां दुस्तजां मोहिता स्वयं। उनमें भी वयम च तत्र भगवन् सर्पाजात्युरुवन्यव, सर्प की जाति जो है सबसे ज्यादा द्वेषी होती है। दूसरे जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, उनको छेड़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं करेगा, सर्प के पास से गुजर जाओगे डसेगा। तो सर्प बोलते मुझे तो तुमने बहुत ज्यादा पहले से ही द्वेषी बनाया है, इतना ज्यादा मेरे अंदर द्वेष भरा है, और ये सब कैसे हुआ है आपकी। कथम त्यजामस त्वन माया, ये आपकी ही तो माया है, इसलिए आपकी माया के द्वारा मैं मोहित हो गया हूँ। और भौतिक शक्तियों में जितनी भी माया चल रही है, जो भी मोह माया, वो तो आपने ही बनाई है, लेकिन फिर भी अगर मैं अगर अपना वो कह रहा, अगर मैं सही बताऊं तो इसमें मेरी मेरा कुसूर है नहीं, ये मेरा स्वभाव है, जहरीला होना तो मैं हूँ, लेकिन फिर भी मैं फुली सरेंडर हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। और बहुत ही सुंदर अंतिम बात कहते हैं, भगवान ही कारणम तत्व सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद्विदेहिना। भगवान ही कारणम तत्र, भले ही सारे ब्रह्मांड के सर्वज्ञ आप ही समस्त कारणों के कारण हो, तो मेरे भी कारण आप हो, और सर्वज्ञ जितना आप ही मोह से छूटने के भी वास्तविक कारण हो। आप ही अगर मोह में बांधने वाले हो तो आपकी कृपा से ही इस मोह से छूटा जा सकता है। आप अगर चाहो तो मुझ पर कृपा करो, अनुग्रह निग्रहम वा, अब आपकी शरण में हूँ। मैं आपको ये नहीं कहता कि मुझे बख्श दो, मैंने अपराध किया है, अगर आप सजा देना चाहते हो तो आप सजा दे सकते हो। आप करुणा के सागर हो, अगर आप मुझे क्षमा करना चाहते हो तो मैं क्षमा का भी पात्र हूँ, मगर मैं आपकी शरण हूँ। मन्यसे तद विदेहिना, जैसा आपको अच्छा लगता है मेरे साथ सुलूक करो। देखो कितना सुंदर है, भगवान सामने है, पत्नियों ने प्रार्थना कर ली, भगवान भी तो अब देखा, उनका हृदय भी तो सॉफ्ट हो गया है, वो बोल सकते थे बस अभी छोड़ दो ना, बहुत हो गया, लेकिन बोला नहीं मैंने गलती की है, भले ही मेरा स्वभाव तो तुमने मुझे नाक बनाया ऐसा है, लेकिन अगर माया को माया से बांधने वाले आप हो तो माया से छुड़ाने वाले भी आप हो, मैं आपकी पूरी तरह से शरण में हूँ। माफ करना चाहो तो माफ कर दो, अनुग्रह निग्रहम वा, या अनुग्रह करो या मुझे दंड दो, जैसा करना मन्य से तन्वी दिया थे, आपको जैसा भी मेरे साथ करना है तो करो। जब भगवान ने इतना सुना तो भगवान बहुत खुश हो गए, क्योंकि अगर वो बोलते ना मुझे माफ कर दो तो भगवान बोलेंगे तुम्हारे अपराध माफ करने जैसे हैं, कितने तो है ना बेजान लोगों को, बेकसूर लोगों को तुमने मारा है ना, जो गाइयां यहाँ पर पानी पीने आती थी, जो पशु जाते आप लोगों ने, जो पशु भी जाते थे वो भी मर जाते थे, तो कितना तुमने यहाँ पर आतंक मचाया था, मेरी नगरी में, मेरी वृंदावन में तुमने इतना उपद्रव किया था, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। लेकिन जब भगवान को बोला नहीं,
मैं माफी नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका हूँ, जैसा आपको अच्छा लगता है मेरे साथ शुरू करो। हमको भी भगवान के सामने हमको बोलना चाहिए, भगवान जे हदल करी तो मेरी जाय न काही, जे फजल करी तो माजीवा। मुझे पता है इंसाफ करोगे तो मैं इंसाफ में तो मैं नहीं बच सकता, क्योंकि अपराधों की इतनी लंबी लिस्ट है कि अगर छुड़वाऊंगा भी तो कौन कौन से कटवाऊंगा। इतनी लंबी लिस्ट अपराधों वाली है तो किस किस को माफ करोगे? और अगर तुम बोलोगे ये भी तुमने किया, ये भी अपराध तुमने किया, इस जन्म में ये वाला किया, इस जन्म में ये वाला किया, इस कितने गिनाओगे? मैं मानता हूँ मैंने किए हैं, मैंने अपराध किए हैं, मैं मानता हूँ। अगर तुम इंसाफ करोगे तो फिर मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन तुम तो करुणा के सागर हो ना, तो तुम चाहो तो मुझ पर करुणा भी कर सकते हो, क्षमा कर सकते हो, तो तुम्हारी मर्जी है, जी वणेंगे दिए पर। तो फिर इतना सुनने के बाद भगवान बहुत प्रसन्न हुए और फिर बोले चलो ठीक है, माफ किया, तुमको माफ करता हूँ, लेकिन या रहने नहीं दूंगा, यहाँ से तो तुमको निकलना पड़ेगा। भगवान कहते, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते, भगवान ने कहा इत्याकरणं वच प्राह भगवान कार्य मानुष नात्र सेयं त्वया सर्प समुद्रम या हिमाचिरम स्वज्ञात्य पत्य धाराढ्यो गोनिभिर् भुज्यते नदी इत्याकरणं वचनम। जब ये इतने सुंदर वचन सुने उसके, कि इतना सुंदर तरीके से वो क्षमा मांग रहा है, तो भगवान कार्य मानुष, भगवान जो है वो जैसे अभी तो मनुष्य जैसे लग रहे थे, छोटे बच्चे की जैसे लग रहे थे, तो बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी बोला नात्र स्थेयं त्वया सर्प, मैंने माफ तो किया लेकिन तुम सर्प हो। देखो सर्प को मैं अपने घर में नहीं रख सकता। आप कभी, हम अपने घर में पैरट को पाल सकते हैं, या कभी कबूतर को रख सकते हैं, या फिर दूसरे कोई जो छोटे छोटे सुंदर सुंदर खरगोश रखते हैं, कोई आजकल कुत्ते रखते हैं, कुत्तों को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि महाराज जड़ भरत ने आखिर में हिरण को याद किया, दूसरे जन्म में कौन सा जन्म मिला? हिरण का जन्म। और अगर अंतिम समय में कुत्ता सामने आ गया तो खाम खाम मार जाओगे। इसलिए ऐसा, वैसे तो एनिमल्स नहीं रखने चाहिए घर में, लेकिन भगवान बोलता है मेरे वृंदावन में पशुओं के लिए भी जगह है, लेकिन तुम तो सर्प हो ना, जहर उगलते हो, तो इसके लिए मैं तुमको नहीं रख सकता, तुम यहाँ नहीं रह सकते, घर में नहीं रहो, कहाँ जाओ? समुद्रम या ही माचिरम, समुद्र में चले जाओ। और माचिरम, वो बोलेगा मैं 2-3 दिन में निकलूंगा ना, अभी तो मैं तबीयत भी ठीक नहीं है, इतना मारा है तुमने, थोड़ा सही हो जाओ, मरम पट्टी डॉक्टर वॉक्टर को दिखा। बोला नहीं माचिरम, अभी निकलो, अभी का अभी यहाँ से निकलो, और अकेले नहीं जाना। आप कैसे जाओ? अपने बच्चों पत्नियों अन्य मित्रों तथा संबंधियों समेत समुद्र में लौट जाओ, कोई यहाँ पर तुम्हारी निशानी भी नहीं, एक सपोला भी छोटा नहीं छोड़ के जाना, क्योंकि तो कोई भी अगर छोटा सपोला भी होगा तो कल उसका भी वंश बढ़ेगा, तो बहुत सारे नाग हो जाएंगे ना, इसलिए निकलो यहाँ से, मेरे घर से निकलो, अगर मैंने देखा तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो इस तरह से भगवान जो है उसको चुप वहां से भगा देते हैं। और फिर सुखदेव गोस्वामी जो है वो श्रुति फल बताते, श्रुति फल मतलब आप लोग देखो कितना प्यार से शो कर कथा सुनते हो ना, मतलब शांत बैठ के कथा सुनते हो ना, तो उसका बताते हैं कि जिसने ये कथा सुनी है, इतना मुश्किल से सुनी होगी, देखो 3 हफ्तों से मैं ये कथा सुना रही हूँ, और कहने वाले ये भी कहते हैं माता कितना लंबा कर देती है कथा को, ये कथा तो मैं 10 मिनट में सुना सकता हूँ, भगवान ने कालिया को मारा, पत्नियों ने प्रार्थना की और भगवान ने उसको भगा दिया, मैं भी सुना सकती हूँ 2 मिनट में, है ना। लेकिन क्या है कि जब ये रस तो नहीं आएगा ना, ये जो एक एक श्लोक जो भागवत का लिखा हुआ है, एक एक शब्द भी जो हम कभी कभी लगता है यार संस्कृत में पढ़ने की क्या जरूरत है, खाली है ना ट्रांसलेशन पढ़ लिया जाए, लेकिन ये एक एक शब्द जो है वो ये इसका जो साउंड वाइब्रेशन है ना, उससे हमारा जीवन पवित्र होता है। हमको पता नहीं है कि इन शब्दों में कितना पावर है। आजकल जिसको जिसको भी आज तक भगवत प्राप्ति हुई है ना, इन शब्दों के द्वारा हुई है। इसीलिए कभी कभी ना भी आनंद आए तो भी कथा में आनंद लेने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भागवतम में प्रथम ही दिन में सुखदेव गोस्वामी ने बताया
धर्म सुनिश्चित पुंसा विश्वसेन कथा सुनः नोत्पादये यदि रतिम श्रम एवहि केवलम। कि आप यदि बहुत बहुत सेवा साधना करते भी हो, धर्म का पालन करते हो, वेलफेयर वर्क करते हो, बहुत सारा दान करते हो, तपस्या करते हो, लेकिन अगर वो बहुत अच्छे तरीके से करते हो, ब्रह्मचर्य और सन्यासी का सारा आचरण अच्छे से करते हो, लेकिन भगवान की कथा नहीं सुनते हो, तो सब बेकार है। जो कुछ भी साधना, जिसको भी आप समझते हो ना ये पुण्य कर्म है, जो जो भी आपके नाम से तपस्या हो, ज्ञान हो, ध्यान हो, जो भी है, जो आप समझते हो कि ये पुण्य कर्म है उससे भगवत प्राप्ति होगी, अगर भगवान की कथा नहीं सुनते हो, कथा श्रवण करने की इच्छा हृदय में नहीं होती है, तो श्रम एवहि केवलम, कोई फायदा ही नहीं कुछ और करने का। और यदि कथा श्रवण करते हो तो खुद ब खुद सारे गुण आ जाएंगे, खुद ब खुद नाम जप करने का इच्छा होगा, खुद ब खुद भगवान से प्यार हो जाएगा, खुद ब खुद अपराध नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हृदय से भगवान की कथा श्रवण करने के लिए लालच होनी चाहिए हृदय में। और कथा श्रवण करने का क्या लाभ है, जिन्होंने इतनी मेहनत की है, बहुत सुंदर लाभ है। वे कहते हैं यतः संस्मरेन् मृत्युः तुभ्यं मद् अनुशासनम् कीर्तयन्नो भयो सन्ध्यो न युष्मद् भयामपा अनुयात्। या एतत् संस्मरेन मृत्यु, यानी कि जो भी जीव, जो भी मारने वाला, आखिर हम सब मृत्यु, हम सबको क्या बोलते हैं, मरण धर्म, एक न एक दिन मरना है, तो ऐसे प्राणी जब इस कथा का स्मरण करते हैं तो भी मत अनुशासनम, कि मैंने कैसे तुम्हारे ऊपर शासन किया, इतने कथित बड़े बड़े सर्प के ऊपर मैं कैसे नृत्य किया, कैसे उसको निकाला। कीर्तयन्नो भयो संध्यो, अगर वो संध्या के बाद इस कथा को पढ़ते हैं, जैसे हम हर रोज पढ़ते हैं हर सदस्य को, युष्पत भय मापनुया, वो कभी भी सर्प के भय से मुक्त हो जाएंगे, मतलब कोई भी सर्प का उसको कोई असर नहीं होगा, कभी भी उसको सर्प जीवन में कोई कष्ट नहीं देगा, यानी सांप के भय से बच जाएंगे, उनको कभी सांप से भय नहीं होगा। अगर और वे कहते हैं कि तो वो तुमसे, मतलब तुम जैसे सर्पों से कभी भयभीत नहीं होंगे और उनको कभी कोई कष्ट नहीं देगा सांप को जीवन में, जो इस कथा को श्रवण करता है। तो आप सब सर्पों के भय से मुक्त हो गए, कहीं पर भी जा सकते हैं, सर्प से नहीं डरना। बोला हम लोग आलिया वाली कथा सुनकर आए ना, खबरदार हमारे पास नहीं आना, वरना हम कृष्ण को बुलाएंगे, आपके भी फन के ऊपर नाच करेंगे और आपके भी फन तोड़ देंगे। तो इस तरह से और आगे इसमें कहते हैं यमुना नदी, ऐसा हो सकता है, जैसे बताते शुकदेव गोस्वामी, कि इतना सुनने के बाद हो सकता है कि नाग बोले, कालियानाग अभी मैं समझ गया हूँ ना, अभी तो मैं अच्छा बच्चा बन गया हूँ, वैष्णव बन गया हूँ, तो मुझे घर से मत निकालो प्लीज, मैं अभी कहाँ जाऊँगा, मैं घर में मतलब बना होता होते ही रहने दो। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, अभी भगवान वापस आगे बता रहे, ये जो जगह है ना वो उधर मैं किसी और को बिठा रहा हूँ, इसको ये वाला फ्लैट बुक करा दिया, दूसरे में निकलो। भगवान कहते हैं योस्मिन् स्नात्वा मदाक्रीडे देवादिस्पर्त्यजे जलय अपोष्यमं स्मरञ्चेत सर्वा पापै प्रमोच्यते। योस्मिन् स्नात्वा मदाक्रीडा, जो भी यहाँ पर आएंगे ना, आप यहाँ इस जगह को खाली करो, वृंदावन की जगह को, ये जो यमुना है वहां को खाली कर दो, और जो कोई व्यक्ति मेरी इस क्रीड़ा के स्थल में स्नात्वा स्नान करेगा, या फिर और इस सरोवर के जल को देवताओं को समर्पित करेगा, देवादी तर्पण करते ना देवताओं का, उस जल से तर्पण करेगा, अपोष्य माम स्मरण, और फिर वो मुझे स्मरण करेगा, मेरी पूजा करेगा, वो सर्व पापे प्रमोच्यते, यानी कि अब यहाँ ये वाला जो जल है वो इतना पवित्र हो गया है कि यहाँ पर पूजा का स्थान हो गया, सब देवी देवताओं की पूजा करेंगे, यहाँ पर आकर भक्ति करनी होगी, यहाँ पर आकर सब जल में स्नान करेंगे, तो तुम कैसे रह सकते हो, तुम तो नहीं रह सकते थे नाग हो, तो तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो फिर समझो
कि उसने बोला मैं किधर जाऊं फिर, मेरा तो दूसरा कोई घर ही नहीं, आपने मेरा घर छीन लिया। तो वो कहते हैं द्वीपम रमणकम हित्वा रिदमेतम उपाश्रित यद् भयात् स सुपर्णस्त्वां नाद्यान्मत् पादलांसितम्। द्वीपम रमणकम हत्वा, जाओ जहाँ पर सांप रहते वहां रहो ना, सांपों के रहने की जगह तो रमणक द्वीप है, आप उधर जाइए। हृदय में तक उपाश्रितम, यहाँ से तो जाना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि मैं रमणक द्वीप में कैसे जाऊँ, वहां पर तो आपका वाहन गरुड़ है ना, गरुड़ तो मुझे खा जाएगा, क्योंकि गरुड़ की और मेरी बहुत ही पक्की वाली दुश्मनी है, तो वो मुझे खा जाएगा, मैं कैसे जाऊँ। तब वे कहते हैं यद् भयात् स सर्पस्त्वम्, तुम फिक्र मत करो, वो जो गरुड़ है अब वो आपको कुछ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? नाद्यान्मत् पादलांसनम्, क्योंकि वो आपके सर पर मेरे चरण चिन्ह देखेगा ना, तो आपको कुछ करेगा नहीं, बल्कि दूर से ही मेरे चरण चिन्ह को प्रणाम करेगा। इसीलिए टेंशन मत करो, जाओ वहां पर, अब आपको कोई भी वहां पर तंग नहीं करेगा। तभी उसके बाद जो सारे जो ऋषि हैं वो कहते हैं मुक्तो भगवता राजन कृष्णो नाद्भुत कर्मणा तं पूज्यमास मुदा नागपत्यश्च सादरम्। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं जब जाने के लिए बोल दिया अब जाना ही है, तो फिर कृष्ण अद्भुत करना, कृष्ण ने कितना अद्भुत कार्य किया, बस खाली अंदर पानी में गए और एक साथ बहुत सारे कार्य किए। सबसे पहले कौन सा कार्य किया, जो सबसे इस लीला की सबसे सुंदर बात क्या थी, हैंड रेस करेंगे, थोड़ी याद होगा। यस, नाग पत्नियों की प्रार्थना और कुछ। इस लीला की सबसे मजेदार बात क्या थी, यस भगवान ने इतना सा नृत्य करके दिखाया, वो नहीं भूल गए सब। तो भगवान ने एक तो भगवान ने एक प्लेटफॉर्म जिस पर कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं ऐसी जगह पर नृत्य तो बहुत करते हैं है ना, आप देखते हैं और बहुत सारे टीवी शोज आते हैं, वो भी अलग अलग डांसर्स होते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म, इतने सारे फण है और एक के बाद एक भगवान भी बोल रहे थे भाई डांस को सब पसंद करते हैं, मेरे जैसा कोई करके दिखाए, ऐसा तो कोई। तो भगवान ने एक ही तीर से इतने सारे कार्य किए, सबसे पहले अपना ये सुंदर दृश्य नृत्य का करके दिखाया, ऊपर से इतना दूषित जल हो गया था जिससे सब लोग दुखी थे, उस जल को भी साफ कर दिया, और फिर जो यमुन जितने भी प्राणी हैं उनकी भी सुरक्षा की, यमुना नदी को स्वच्छ कर दिया, और साथ साथ में नाग पत्नियों की जो प्रार्थना है उसको भी स्वीकार किया, उसको जो है अनुग्रह भी किया उसके ऊपर, और उसको एक स्थान में दे दिया, गरुड़ से भी बचा लिया। तो भगवान कितने अद्भुत कार्य करते हैं थोड़े से, तो इस तरह से तब पूज्य महासमुदा सब उन्होंने सबने पत्नियों ने और नाग ने मिलकर उनकी बहुत बहुत पूजा की, और फिर उसके बाद बहुत सारे मूल्यवान गिफ्ट दिए। और क्या क्या गिफ्ट दिए वे कहते हैं दिव्या मरस्त्री परादैर विभूषण, बहुत सुंदर सुंदर मालाएं दी, वस्त्र दिए, क्योंकि नाग जहाँ पर रहते हैं ना वहाँ पर बहुत सारे खजाने होते हैं, उनके पास बहुत कुछ होता है। हमको लगता है नाग बेचारे क्या पहनते होंगे, नाग एक दिन क्या होता है 100 साल हो जाते हैं ना, फिर उनके अलग अलग स्वरूप हो जाते हैं, इच्छाधारी स्वरूप धारण करते हैं, फिर उनके पास अलग अलग टाइप की चीजें होती हैं, और उनके पास ना हर, क्योंकि उसके पास तो 1000 फण थे और हर फण के ऊपर जो थी वो मणियां होती हैं उनको, तो वो सारी मणियां मूल्यवान चीजें जो आभूषण वगैरह वो भगवान को देते हैं। दिव्या गंधारों ने पैश, बहुत ही सुंदर सुंदर गंध सुगंध, और महत्योपमाला बहुत सुंदर, और भी बहुत सारी चीजें देते हैं। और पूजयित्वा जगन्नाथम प्रसाद या गरुड़ ध्वजम, पूजयित्वा जगन्नाथम, भगवान की पूजा करते हैं, तथा प्रीतो भी अनुज्ञाता,
और फिर भगवान से जाने की अनुमति मांगते हैं कि भगवान थैंक यू सो मच, आपने रक्षा कर दी और अब ये सारी वस्तुएं जो है वो भगवान के पास जब भी जाओ कुछ लेके जाना चाहिए, भले ही भगवान का ही सब कुछ, लेकिन भगवान को जब हम देते हैं तो भगवान को अच्छा लगता है। तो भगवान के पास कुछ भी पत्रम पुष्पम फलम तो हम जो भी लेके आना चाहे ले आ सकते हैं। भगवान के पास आने के लिए ये ना विधि है कि कुछ भी भगवान को देना जरूर चाहिए और प्रेम से देना चाहिए। और उसके बाद क्या किया उन्होंने, ततः प्रीतो भ्य अनुज्ञात, भगवान की से अनुमति मांगी, परिक्रम्या भी वंदतम, भगवान की परिक्रमा की, भगवान को वंदना की और सकल सुहृत पुत्रो दीपमग्ने जगामः तदेव सामृत जला यमुना निर्वश भावत अनुग्रहात् भगवतः क्रीड़ा मानुष रूपण। तो कहते हैं भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए, कालिया के जाते ही जो यमुना नदी है वो बहुत ही स्वच्छ हो गई, मूल रूप से हो गई और विष से बिल्कुल विष सारा खत्म हो गया और यमुना का जो जल है वो कैसे हो गया, अमृत की तरह हो गया। और उसके बाद वो जल स्वच्छ हो गया, यह सब उन भगवान की कृपा से संपन्न हो गया जो अपनी लीलाओं का आनंद मनाने के लिए मनुष्य के रूप में प्रकट हुए। यानी भगवान छोटे से बच्चे मनुष्य बन के आते हैं फिर भी अनुग्रहात् भगवतः क्रीड़ा मानुष रूपणा। तो ये भगवान जो भगवान बनकर आते अगर और कुछ लीला करते तो उसमें वो आस्वादन नहीं है, लेकिन जब वो बच्चे बनकर आते हैं और छोटी छोटी लीलाओं से इतना सब कुछ करते हैं तो ये छोटी छोटी जो लीलाएं हैं मनुष्यों को ही नहीं देवताओं को भी आकर्षित करते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर कर गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। तो यहाँ पर हमारा 10वें स्कंद का 16वां अध्याय समाप्त हो गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, कलयुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, प्राण प्रिय श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, सत्य गुरुदेव महाराज की, शिला प्रभुपाद की, नित्य लीला प्रवेश अभय शरणारविंद कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की, गौरव प्रेमानंदे निधाई, गौरव प्रेमानंदे गौरव।